नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सभी छात्रों का एक ही सवाल, विवादित प्रश्नों को फाइनल होने में कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट में सिर्फ आपको एक तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख। तो दोस्तों फिलहाल जो आपकी अगली सुनवाई होने वाली है वो दोस्तों आपकी 4 मार्च को होगी। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट इनवैलिड रिजल्ट 2019 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों काफी ऐसे छात्र हैं, एक न्यूज़पेपर के माध्यम के अपडेट्स दोस्तों जो आए थे उसमें ये कहा गया दोस्तों तकरीबन 20,000 ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनके दोस्तों रिजल्ट पर इनवैलिड आ रहा है। मतलब होता क्या है कि अगर आपने साल भर तैयारी की होगी यूपी टेट को लेकर, उसके बाद दोस्तों खाली आपकी कहीं पर एंट्री फिलिंग में छोटी सी मिस्टेक्स हो गई हो या नहीं हुई है या किसी भी कारणवश, देखिए दोस्तों सब कुछ इंटरनेट के थ्रू आता है, टेक्निकल एरर भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी कहा जा हो सकता है। तो उनका क्या होगा उसको हम देखेंगे, और कितने कॉमन नंबर मिल सकते हैं। काफी ऐसे दोस्तों छात्र हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे इस समय 81 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, क्या 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है, या दोस्तों 88 आपके नंबर बन रहे हो, 89 बन रहे हो। तो आपको उम्मीद तो जरूर होगी कि आपका किसी भी तरह 1 नंबर बढ़ जाए जिससे आप पेपर में पास हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये एक अपडेट अगर आपने कल देखी हो तो यूपी टेट 2019 इनवैलिड रिजल्ट का विरोध तेज। अगर दोस्तों सोशल मीडिया पर इनको अच्छे से सपोर्ट मिले छात्रों को तो हो सकता है कि इस पर दोस्तों जो विरोध हो रहा है, हो सकता है दोस्तों उस पर जो कॉपी रीचेकिंग की मांग दोस्तों की जा रही है कि कैसे ना कैसे आपकी कॉपियां चेक हो जाए, तो वो हो सकता है। तो पहले दोस्तों हम पूरी अपडेट से दिखा देते हैं, अगर आपने इस न्यूज़पेपर के अपडेट्स को ना पढ़ा हो इसको देखते हैं पहले, उसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे पूरी वीडियो को। अगर अभी तक वैसे आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन छात्रों के दोस्तों रिजल्ट इनवैलिड हो या जो छात्र फेल हो रहे हो। और दोस्तों नए शिक्षक भर्ती की भी अपडेट हम इस वीडियो में देंगे। तो पहले दोस्तों क्या अखबार में आपकी खबर आई थी, यूपी टेट 2019 इनवैलिड रिजल्ट का विरोध तेज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2019 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिणाम में इनवैलिड दर्ज है, उनकी तादाद करीब 20,000 से अधिक है। अब दोस्तों यही बात हम आपको बता रहे हैं कि जो छात्र इनवैलिड रिजल्ट जिनका आ रहा है उनकी तादाद 20,000 से अधिक है। सोचिए ये वे छात्र हैं जो दिन रात मेहनत किए होंगे, अब किसी भी दोस्तों कारण से इनका रिजल्ट इनवैलिड हो गया है। सभी लोग, या तो दोस्तों काफी छात्र ऐसे होंगे जो 6-6 महीने की दोस्तों कोचिंग किए होंगे, पैसे लगाए होंगे, इतने पैसे उनके वेस्ट होंगे, मेहनत खराब होगी, 1 साल बर्बाद होगा यूपी टेट को पास करने के लिए। आपको पता है यूपी टेट का जो पेपर होगा वो दिसंबर तक होगा, वो भी 2020 में। तो 1 साल का दोस्तों उनका समय खराब होगा, मेहनत आपकी खराब होगी, पैसे तो चलिए आते जाते रहते लेकिन जो मेहनत होती है एक बार रिजल्ट होता है ना वो नहीं आता। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इनका रिजल्ट किसी भी तरह सही हो जाए तो इन छात्रों को काफी फायदा होगा। जो छात्र दोस्तों 1 से 2 नंबर से फेल हो रहे हैं उनका मामला भी दोस्तों जल्दी से निपट जाए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पूरी अपडेट को। अभ्यर्थी उनका परिणाम संशोधित करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर शुरू अनशन बुधवार को भी जारी रहा, वही सचिव ने किसी बदलाव करने से इनकार किया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का एक वर्ग कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओएमआर में प्रश्न पत्र से जुड़ी सारी बातें लिखी हैं फिर भी उनका परिणाम इनवैलिड है। अब दोस्तों ये बात कही जा रही है, ये देखिए आपके अखबार की कटिंग है, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट्स आई है कि कुछ ऐसे छात्र भी हैं दोस्तों जिन्होंने सभी इंट्रीज को बिल्कुल सही तरीके से फिल किया है उसके बाद भी उनका रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है। वही ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भाषा आदि का कालम नहीं भरा है फिर भी उनका परिणाम जारी हो चुका है। अब दोस्तों हो सकता है कि जल्दबाजी में आपने भाषा का कालम छोड़ दिया, उसके बाद रिजल्ट कैसे जारी हुआ ये दोस्तों बड़ी अपडेट होगी। मतलब कैसे हुआ, या तो वहां पे ये एरर हो उनका भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, उनका रिजल्ट आया तो दोस्तों जिन छात्रों का रिजल्ट और गलत थी तो उनका भी आना चाहिए। अभ्यर्थी से रिजल्ट में छेड़छाड़ बताकर जांच की मांग कर रहे हैं। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पिछले दिनों साधना देश का हवाला देकर विज्ञप्ति जारी की थी कि अब परिणाम में बदलाव नहीं होगा। अब देखने वाली दोस्तों बात होगी, देखिए आपका जो न्यूज़पेपर है अगर यहाँ पर भी रोज रोज आपको ताजा खबरें मिलती रहे तो अच्छी बात रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए मीडिया का भी, तभी आपका जो पावर है दोस्तों बात होती है वो आगे तक पहुंचाई जा सकती है। अगर आप सोचें कि कहीं से कुछ सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, देखिए आपका 69,000 जो शिक्षक भर्ती चल रही है उनका जो मामला है अब बिल्कुल दोस्तों वो फाइनल दौर में आ चुका है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों ने 1 साल की कड़ी मेहनत की है। इनका पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था दोस्तों, और बता दें 69,000 मामला काफी बार ट्विटर में दोस्तों ट्रेंड किया है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेंडिंग पेज में जाता था,
69,000 शिक्षक भर्ती। जिससे देखिए होता क्या, ट्विटर पर अगर कोई चीज ट्रेंड होती है तो ये क्या होता है ना, एक तरह से ध्यान आकर्षित होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में सोचते हैं लोग कि आखिर 69,000 है क्या, ये ट्विटर पर ट्रेंड क्यों हो रहा है। तो बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। और दोस्त अभी आपका आपने देखा होगा जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी को भी एक कड़ी हार देखने को मिली। और हो सकता है कि उसका भी कुछ इफेक्ट हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती काफी तेजी से आगे चल रही है। अब पूरी उम्मीद है दोस्तों अगले 1 से 2 महीने में इनको नौकरियां मिल जाएंगी। अब देखिए बात होगी कि यूपी टेट में इससे क्या रिलेशन है या क्या कैसे मिलता जुलता है। यूपी टेट 2018 दोस्तों जो मामला था हाई कोर्ट में गया था वो बहुत ही जल्दी फाइनल हो गया। उसका रीजन ये था ना कि उस समय दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल आ चुकी थी। अगर वो मामला डीले होता जैसे 2019 का मामला डीले हो रहा है तो वो छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाते, तो वो मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा और कंप्लीट हुआ। अब बात आती है दोस्तों 2019 यूपी टेट का मामला क्या है, ये काफी स्लो क्यों चल रहा है, क्या दोस्तों कारण हो सकते हैं। देखिए उस बार छात्रों में यूनिटी बहुत अच्छी थी, एकता बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से दोस्तों वो केस काफी तेजी से आगे बढ़ा। अब की बार दोस्तों जो यूपी टेट 2019 का मामला है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह कि अभी कोई शिक्षक भर्ती जल्द में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शिक्षक भर्ती आने वाली होती जैसे मार्च में ही होती या अप्रैल में होती तो आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे यार कि अगर हम यूपी टेट में फेल होंगे तो शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। तो इस बार छात्र उतना सीरियसली ले भी नहीं रहे, क्योंकि सीटेट का आपको पता है पेपर जुलाई में होने वाला है, 5 जुलाई 2020 को सीटेट का पेपर लग चुका है। तो सभी को है कि चलो हम सीटेट का पेपर देके उसको क्लियर कर लेंगे, यूपी टेट तो चले ठीक है आता जाता रहेगा। तो सभी छात्र की जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है, तो इसकी वजह से भी दोस्तों यूनिटी उतनी अच्छी बन नहीं पाई इस बार। अब देखिए आपका एक सवाल जो आ रहा था कि विवादित प्रश्नों को लेकर मतलब फाइनल होने में कितना समय लग सकता है, आप यहाँ समय के दोस्तों कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि अगले 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में होगा। कोर्ट में मामला है, कुछ भी हो सकता है। 69,000 मामला दोस्तों जो देखेंगे शिक्षक भर्ती का, वो 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। हमने आपको जैसा कि बताया उनका दोस्तों जो मामला था 6 जनवरी 2019 को उनकी लिखित परीक्षा हो गई थी, उसके बाद आज तक दोस्तों ये केस फाइनल नहीं हुआ। अब इनकी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई है वो 3 मार्च 2020 को होगी, ठीक है, जो आने वाली है। और यूपी टेट दोस्तों 2019 का जो मामला है उनकी सुनवाई दोस्तों यूपी टेट में कब होगी, ये दोस्तों सुनवाई होगी अगली 4 मार्च को। तो चलिए ठीक है, सबकी सुनवाई का दोस्तों दौर जारी है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जल्द से जल्द ये केस फाइनल हो जाए, जिससे छात्रों को ही अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लाइव अपडेट के लिए दोस्तों आपने देखिए आपके सामने वेबसाइट भी सो रही, dailyatresult.com, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पर जाकर दोस्तों टाइप करेंगे आप लोग, देखिए स्पेलिंग यहाँ पर साफ साफ लिखी है, क्या स्पेलिंग आपको दोस्तों लिखना है, DELEDRESULT.com। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो इनवैलिड की अपडेट्स हो, चाहे दोस्तों कोर्ट की अपडेट्स हो, सारी अपडेट्स को यहाँ पर अपडेट किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे नए शिक्षक भर्ती दोस्तों उसमें क्या होगा। देखिए आज योगी जी ने दोस्तों एक बड़ी बात कही कि सपा शासन में भर्ती होती थी तो उसमें वसूली होती थी, ठीक है, ऐसे योगी जी ने कहा। क्या पूरी अपडेट एक बार देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नए शिक्षक भर्ती 2020। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधान परिषद में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सपा का जबरदस्त, ठीक है, सपा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा शासन काल में भर्तियों का विज्ञापन आता था तो कुछ लोग झोला लेकर वसूली करते थे, उनकी सरकार ने 2.5 साल में पारदर्शी तरीके से 2,81,000 भर्तियां की। तो दोस्तों ये बड़ी बात उन्होंने कही कि सपा सरकार में, या इसको इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि सपा सरकार में जो भी वैकेंसियां होती थी उसमें एक तरह से आपका घूस चलता था, पैसा लगता था, वही तो होता है ना कि झोला लेकर भाई वसूली करते थे, पैसा लेते थे या घूस लेते थे, कुछ ऐसा कहा सरकार ने। लेकिन एक बात दोस्तों अच्छी हुई है, जब से सुपर टेट का दोस्तों आपका पेपर लगा है ना, एसटेट का, योगी सरकार में दोस्तों ये हुआ, सुपर टेट का पेपर लगने से ये फायदा हुआ छात्रों को कि इसमें वो छात्र नौकरी पाने लगे जिन छात्रों के नंबर काफी कम होते थे। जी हाँ दोस्तों, पहले ये होता था कि अगर आपके इंटर हाई स्कूल में, इसको समझ लीजिए, 10th में, हाई स्कूल में, ग्रेजुएशन में और बीटीसी बीएड में, अगर आपके दोस्तों पहले नंबर अच्छे नहीं थे तो आप शिक्षक बनने का सपना देख ही नहीं सकते थे। शुरुआत के छात्रों के नंबर तो कम थे, बाद में दोस्तों क्या हुआ, नंबर ज्यादा मिलने लगे। आमतौर पर दोस्तों बच्चों के जो परसेंटेज बनते थे हाई स्कूल में 90%, 80% तो बिल्कुल एवरेज हो गया था, हर दूसरा छात्र 80-85, और जो पहले छात्र थे दोस्तों उनका मुश्किल से 60-65% रिजल्ट था। तो 60-65 वाले को कैसे मौका मिलता, तो सरकार ने नया नियम लाया सुपर टेट का पेपर लाकर, ठीक है। अब हम नई शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, एक और दोस्तों अपडेट चाहिए आप लोगों के लिए कि प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित होगा बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय, ठीक है, ये भी दोस्तों अपडेट्स आप लोगों के लिए बड़ी होगी, उसको भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों आने वाले वीडियोस में।
अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, नई शिक्षक भर्ती 2020 की क्या अपडेट्स है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए कोई भी वैकेंसी आएगी, जी हाँ दोस्तों, एक जूनियर हाई स्कूल वाली आने वाली थी जो कि मार्च में आ जानी चाहिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि मार्च के एंड तक, मार्च खत्म होते होते वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों उसमें किन बच्चों को मौका मिलेगा, वो वैकेंसी आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा, तो अभी आप उसमें वेट एंड वॉच करिए। दिक्कत यहाँ है कि इस समय छात्र जो यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा, काफी ज्यादा बच्चे मतलब इस बार फेल हुए हैं। इस बार का दोस्तों जो यूपी टेट और सीटेट का रिजल्ट रहा वो काफी डाउन हुआ है। यूपी टेट का तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट डाउन हो गया इस बार, सीटेट का चलिए ठीक था, उसका तो ऐसे भी 20-22% जाता, तो सीटेट का 22% समथिंग बच्चे कितने थे इसमें पास थे। और दोस्तों जो यूपी टेट का रिजल्ट था उसमें काफी छात्र पेपर टू के, अगर हम लोग बात करें, अगर आपने देखा होगा पेपर टू का दोस्तों जो रिजल्ट आया है, तो पेपर टू में आपके 89% दोस्तों जो छात्र थे वो फेल हो गए यूपी टेट में। सोचिए इतनी बड़ी तादाद, और काफी छात्र दोस्तों ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर भी, हम बता रहे हैं आपको यूपी टेट में सिर्फ मुश्किल से 2 नंबर भी बढ़ जाए ना, तो 2 नंबर बढ़ने में कम से कम नहीं तो 20,000 से अधिक छात्र पास हो जाएंगे। 20,000 या दोस्तों हो सकता है कि इनकी तादाद 50,000 तक भी पहुंच सकती है सिर्फ 2 नंबर बढ़ने से। देखते हैं क्या होता है, 2 नंबर मतलब आपको कॉमन मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों, अभी केस का दोस्तों फाइनल स्टेटस कुछ नहीं है, अब अगली सुनवाई जो 4 मार्च को होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि केस फाइनल होने में कितना समय लगेगा। और दोस्तों जो बात हो रही थी इनवैलिड रिजल्ट को लेकर, अभी भी दोस्तों इसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कॉपी आपकी रीचेक होगी या नहीं, या दोस्तों उसमें क्या होगा, तो वेट करते हैं दोस्तों, और जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखिए हमने आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रॉपर लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप सारी लेटेस्ट अपडेट्स यूपी टेट की प्राप्त कर पाएंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।